अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल दी वुमेंस लाइफ। थंबनेल से आप लोगों को आज का टॉपिक तो पता चल ही गया होगा। आज का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम बात करेंगे बेबी के वेट और ग्रोथ के हवाले से। अक्सर मदर्स बच्चों की ग्रोथ और वेट को लेकर थोड़ी फ़िक्रमंद रहती हैं, तो ये वीडियो इंशाल्लाह उनकी फ़िक्र को दूर कर देगी। क्योंकि इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको बेबी के नॉर्मल और हेल्दी वेट के बारे में ही नहीं बताऊंगी, बल्कि मैं आपको वो पॉइंट्स और टिप्स भी बताऊंगी जिन पर आप अमल करके बच्चे की ग्रोथ में हेल्प कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी कि हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए ताकि बेबी की ग्रोथ और वेट गेन अच्छे से हो पाए। आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल रहेगी। स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, बेबी के वेट गेन की जर्नी स्टार्ट होती है बेबी के बर्थ से। बेबी का बर्थ वेट हमें मालूम होना चाहिए कि बेबी का बर्थ वेट क्या है। अगर बेबी का बर्थ वेट 3 kg के आसपास है तो ये बिल्कुल नॉर्मल और हेल्दी वेट है। अच्छा जी, नॉर्मली बेबीज़ अपनी बर्थ के बाद फर्स्ट वीक में अपना वेट रिड्यूस करते हैं। उसकी वजह ये होती है जो उनकी बॉडी में एक्सेस फ्लूड वगैरह होता है वो सब रिड्यूस हो जाता है, और इसके अलावा वो फीडिंग वगैरह का प्रोसेस उनका स्टार्ट हो जाता है, तो उनको एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए बेबी का वेट थोड़ा रिड्यूस हो जाता है, जो बिल्कुल नॉर्मल बात है। ज़्यादातर बच्चों का वेट रिड्यूस होता है और बच्चे अपना ये वेट बहुत जल्दी रिकवर भी कर लेते हैं। के बाद बेबीज़ अपना वेट गेन ही करते हैं, रिड्यूस नहीं करते। अच्छा जी, स्टार्टिंग की एज से ही बच्चों को डॉक्टर्स मल्टीविटामिन के ड्रॉप्स या फिर विटामिन डी के ड्रॉप भी प्रिस्क्राइब करते हैं, जो आप लोगों को ज़रूर देने चाहिए। क्योंकि बॉडी की जो नीड होती है बच्चों की, अगर वो पूरी नहीं होगी तो फिर उनका वेट अच्छे से गेन नहीं हो पाएगा। और मदर फीड बच्चों के लिए बेस्ट है, ये तो हम सब लोगों को पता ही है। मगर अगर मदर में किसी भी किस्म की, मतलब कि आयरन की, कैल्शियम की, या किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी होती है, तो फिर वो डेफिशिएंसी बच्चे को भी होती है। इसीलिए बच्चों को अगर डॉक्टर मल्टीविटामिन्स के ड्रॉप दे रहे हैं तो वो आप इन्हें ज़रूर दें, वो इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं ताकि बच्चे की ग्रोथ अच्छे से हो पाए। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आप लोगों से एक और बात ये भी कहूँगी कि अपने बच्चे की ग्रोथ को या फिर इसके वेट को या फिर उसकी एक्टिविटीज़ को कभी भी किसी से कंपेयर नहीं करें, क्योंकि हर बच्चा अलग होता है। हर बच्चा अपने हिसाब से ग्रोथ करता है और अपने हिसाब से बच्चा एक्टिविटीज़ स्टार्ट करता है। तो कभी भी आप ये नहीं सोचें कि उसका बेबी तो क्रॉल करने लगा, मेरा बेबी नहीं कर पाता, उसका बेबी बैठ पाता है, मेरा बेबी नहीं बैठ पाता। तो बच्चे अपने अपने टाइम लेते हैं, थोड़ा सा कुछ बच्चे जल्दी बैठते हैं, कुछ बच्चे देर में बैठते हैं, तो ये सब कुछ नॉर्मल है। अच्छा जी, वेट गेन की बात करें तो कुछ बच्चे तेज़ी से वेट गेन करते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा स्लो वेट गेन करते हैं। मगर नॉर्मली अगर हेल्दी वेट को देखा जाए तो 6 मंथ तक बच्चे अपना बर्थ वेट जो होता है उसका वेट डबल कर लेते हैं। मींस कि अगर बच्चे का वेट बर्थ के टाइम पर 3 kg था, तो 6 मंथ के अराउंड उसका वेट जो है वो उसे डबल यानी कि 6 kg हो जाना चाहिए। कुछ बच्चों का वेट ये 4 या 5 मंथ में ही हो जाता है, जो बिल्कुल नॉर्मल है। और बेबी का जो वेट है वो अपने बर्थ वेट से 1 ईयर तक ट्रिपल हो जाता है। मींस कि अगर उसका बर्थ वेट 3 kg था, तो जब वो 1 ईयर का होगा तो उसका वेट 9 kg तक का हो जाना चाहिए। अगर आपके बच्चे की भी ग्रोथ इसी तरीके से हो रही है तो बिल्कुल नॉर्मल और हेल्दी ग्रोथ है। और अगर बेबी का वेट इससे ज़्यादा हो रहा है तो ये भी बिल्कुल नॉर्मल बात है। और बेबी का जो फर्स्ट ईयर होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट ईयर होता है, क्योंकि बच्चे का सबसे ज़्यादा वेट गेन इसी ईयर में होता है। बच्चे अपने पहले साल में 6 kg या इससे ज़्यादा भी वेट गेन करते हैं, जबकि इसके बाद से बेबीज़ का जो नॉर्मल एवरेज हर ईयर का जो ग्रोथ होता है वेट का, वो तकरीबन 2 या 3 kg होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। क्योंकि बच्चों की एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, इसलिए उनकी कैलोरीज़ बहुत ज़्यादा बर्न हो रही होती हैं, इसलिए बच्चे कम ही वेट गेन करते हैं, जो कि बिल्कुल नॉर्मल बात है। अच्छा जी, अब बात करते हैं कि हम किस तरीके से बेबी के वेट गेन या फिर ग्रोथ में हेल्प कर सकते हैं।
देखिए, वेट गेन और ग्रोथ वगैरह जो है, ये सब नेचुरल प्रोसेस है। बच्चे माशाल्लाह से अपना वेट खुद ही गेन करते हैं। जैसे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बेबी 0 वेट से 3 kg तक गेन कर लेते हैं खुद ही, उसी तरीके से उसके बाद भी उनकी ग्रोथ चलती रहती है। हम जिस तरीके से प्रेगनेंसी में अपना ख्याल रखते हैं खाने पीने का, उसी तरीके से हमें बच्चों को बाद में भी ख्याल रखना चाहिए ताकि उनकी ग्रोथ अच्छे से हो पाए। अच्छा जी, मैं यहाँ पर एक और बात क्लियर करना चाहूँगी कि ज़्यादातर पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि बच्चा जल्दी सॉलिड स्टार्ट कर लेगा तो उसका अच्छे से वेट गेन होगा। ये बिल्कुल बात सही नहीं है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं 6 मंथ तक, उनके लिए मदर फीड या फिर फॉर्मूला फीड जो भी आप उनको दे रहे हो वही उनके लिए मुकम्मल मील है। अदरवाइज़ आप बच्चे को स्टार्ट करा सकते हो, उसको इंट्रोड्यूस करा सकते हो, स्टार्टिंग में बच्चा पेट भर के खाता भी नहीं है। और जब बच्चा खाना पीना स्टार्ट कर देता है तो फिर हमें कोशिश होती है कि बच्चा कुछ ना कुछ खाए, लेकिन हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि बच्चा हेल्दी और घर का बना हुआ ही खाए। बाहर की कोई भी चीज़ आप बच्चे को 1 साल से पहले तक तो ना दें। अच्छा जी, 0 to 6 मंथ के जिनके बेबीज़ हैं उन्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि बच्चा फीड वगैरह टाइम पर करे, और अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं तो पहले बच्चे को एक साइड से फीड कराएं, उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम दोबारा फीडिंग कराएं तो दूसरी साइड से कराएं। इससे बच्चे को प्रॉपर फीड मिलता है और उसका वेट गेन अच्छे से होता है। इसके अलावा बच्चे को धूप ज़रूर लगाएं, और बच्चा अगर फॉर्मूला फीड पर है तो बॉटल्स वगैरह की स्टरलाइजेशन और क्लीनिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें ताकि बच्चा बीमार ना हो, क्योंकि इन चीज़ों से बच्चे बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं और जिनकी वजह से उनकी ग्रोथ पर भी असर पड़ता है। 6 मंथ से ज़्यादा के बच्चों को आप घर की बनाई हुई चीज़ें दें, जैसे बॉयल्ड पोटैटो या फिर फ्रूट्स की प्यूरी बना के दे दें। इसके अलावा स्वीट पोटैटो हो गया, साबुदाना है, या फिर वेजिटेबल्स की प्यूरी। इसके अलावा कुछ आप स्वीट बना के दे सकती हैं, जैसे कि हलवा आप बना के दे दें बच्चे को, या फिर खीर वगैरह। इस तरीके की चीज़ें आप बच्चों को दें खुद बना कर घर में, लेकिन कोशिश करें कि बच्चे को नमक या फिर चीनी कम ही दें। अगर आप स्वीट भी बनाएं तो चीनी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम रखें। वैसे अगर आप फ्रूट्स वगैरह की प्यूरी बना रहे हैं तो उसमें आप कुछ भी यूज़ नहीं करें, क्योंकि फ्रूट्स में नेचुरली स्वीटनेस होती है, वो ही बच्चों के लिए काफ़ी है। और मैं माशाल्लाह से अब मेरा बेबी भी 1 ईयर का हो गया है, और मैंने भी उसको ज़्यादातर घर की बनाकर ही चीज़ें ली हैं। यहाँ तक कि हसन को सेरेलैक भी ज़्यादा पसंद नहीं आया, उन्होंने सेरेलैक भी ज़्यादा नहीं खाया। तो ज़्यादातर मेरी कोशिश यही होती थी कि मैं उसको घर की बनाकर ही चीज़ें दूँ, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप फर्स्ट ईयर में बच्चे की मेहनत कर लेंगी तो फिर आप बाद में परेशान नहीं होंगी। आई होप मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।